देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में फिर एक चीज पढ़ी थी कि ये हो सकता है कि आपको एसेट रिसीव हो एक पर्टिकुलर डेट पे, कुछ पैसे आप इससे पहले पे कर चुके हो, यह है एडवांस, कुछ पैसे आप एसेट की डिलीवरी डेट के ऊपर लो, ठीक है जी। यानी ये हमारे पास है कैश ऑन डिलीवरी डेट, ऐसा। फिर ये हो सकता है कि कुछ पैसे हम क्या करें, बाद में पे करें, सबसीक्वेंट पेमेंट्स, ऐसा। हमने इन तीनों को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने ये देखा था कि सर जब आप कोई एसेट खरीदने के लिए एडवांस देते हो तो आप अपने पास एंट्री पास करते हो एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा। मुझे बताइए जो एडवांस आपने बुक किया है, पैसे दिए, ये सेटल कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स की फॉर्म, ऐसा। तो मुझे बताओ क्या ये एक रिसीवेबल है, सॉर्ट ऑफ अ रिसीवेबल, ऐसा। लेकिन ये ऐसा रिसीवेबल नहीं है जिसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हो, इसके अगेंस्ट हमें क्या रिसीव होगी, गुड्स रिसीव होंगी, एसेट रिसीव होगा, ऐसा। तो याद रखिएगा एडवांस टू सप्लायर जिसमें आपको अल्टीमेटली गुड्स रिसीव होने, ये मॉनिटरी आइटम नहीं है, ये क्या है, नॉन मॉनिटरी आइटम, ये क्या है जनाब, नॉन मॉनिटरी आइटम। वो सारे रिसीवेबल जो किसमें सेटल हो, कैश में सेटल हो, वो हमारे मॉनिटरी आइटम है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली सेटल होगी, खत्म होगी जब हमें सप्लायर गुड्स दे देगा, कैश में सेटल नहीं हो गई, डन। इसका मतलब ये तो नॉन मॉनिटरी है। एक दफा एडवांस बुक हो गया, हम इसको फिर तंग नहीं करेंगे, डन। अच्छा सर कैश ऑन डिलीवरी में कोई मसला ही नहीं है, आपने क्या करना है सर, ऐसे डेबिट करना है, कैश क्रेडिट कर देना है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है, जब आपने सब्सिक्वेंट पे करना हो, सब्सिक्वेंट पे करना हो। याद रखना सब्सिक्वेंट पे करना इज इफेक्टिवली अ पेबल, और अगर पेबल है तो सर पेबल क्या है हमारे पास, एक मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमें क्या देना है, कैश पे करना है। तो मुझे बताओ सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों में एक ही सिनेरियो ऐसा जहां मैं मॉनिटरी आइटम को कन्फ्रंट करूंगा, कब, जब आपने एसेट परचेज कर लिया, और पेमेंट कब देनी हो आपको, बाद में देनी हो, ऐसा। आए इन तीनों के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन घर से भी करने के लिए दिया था, एक क्लास में भी कराया था, एक दफा फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं। दिशांत दो मिनट रुक, अच्छा आओ जरा एक छोटा सा हिसाब किताब हम देखते हैं। सर सुनिए दोस्त, सर मैंने एक प्लांट खरीदा, ठीक है जी, प्लांट मैंने खरीदा है सर, उसके लिए मैंने पेमेंट्स करनी है, ठीक है जी। प्लांट है $10,000 का, कितने का, $10,000 का। सर मैंने एक पेमेंट करनी है 1 जनवरी को 2000 या से 2500 या से $2600, ठीक है। ये मैंने पे करना है कब, 1 जनवरी को, उसको मैं नाम दे रहा हूं नेचर ऑफ पेमेंट, क्या जनाब, एडवांस। सर फिर सर मैं 10 अप्रैल को मैं $6,400 और पे करूंगा ऑन डिलीवरी डेट, ठीक है जी, फदान अब्दुल बासित। फिर हमारे पास सर एक डेट आएगी 1st of August, सर इस पे हमारे पास $1,000 हमने और पे करने हैं, ये क्या है हमारे पास सर, ये पेबल है, ऐसा। सुनिएगा दोस्त, हमें एसेट कब मिला, 10 अप्रैल को, कुछ पैसे हमने उससे पहले दे दिए थे, कुछ उसी दिन दिए, कुछ कब देंगे हम, बाद में देंगे। टोटल मिला के $10,000 होते हैं $10,000। सर हमारी रिपोर्टिंग डेट, सर हमारी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून, ऐसा, और हमारी रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च, 31 मार्च होता हमारे पास Q1 का एंड, ऐसा। 30 जून हमारे पास क्या है, हाफ ईयर एंड ना, कर लो पहले तुम, सुनिएगा दोस्त, $10,000 है हमारे पास, एक एसेट हमने खरीदा
कुछ पैसे पहले दिए, 10 अप्रैल को एसेट रिसीव हुआ, 1 अगस्त को हमने बाकी के पैसे देने $1,000, ठीक है जी। दरमियान में 31 मार्च आएगा, किन दो पेमेंट्स के बीच में, इन दो पेमेंट्स के बीच में, और इन दो पेमेंट्स के बीच में क्या आएगा, 30 जून आएगा। दो रिपोर्टिंग डेट्स आ रही हैं, हम हर क्वार्टर एंड पे रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, यहां देख लो इसको, कॉपी मत करो, ठीक है, बोर्ड पे देख लो, सारी चीजें छोड़ जाने दो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं तो मैंने एक एडवांस दिया, कोई एसेट मुझे रिसीव नहीं हुआ, इसके रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ मैंने एडवांस दिया, ठीक है। अज्यूम करो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट्स हैं, डेट और रुपी ओवर यूएस डॉलर, ठीक है सर। 1 जनवरी को डॉलर चल रहा था 80 रुपए का, 31 मार्च को डॉलर हो गया 82 का, 10 अप्रैल को डॉलर हो गया 84 का, 30 जून को डॉलर हो गया 85 का, सर मेरे पास 1 अगस्त को डॉलर हो गया 87 का, ठीक है जी। डॉलर का रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा सवाल है मेरे बच्चों, इसमें रिपोर्टेबल इवेंट सबसे पहला क्या है? सर 1 जनवरी को आपने $2,600 दिए हैं, एडवांस दिया है, ये मेरा पहला रिपोर्टेबल इवेंट है। ऐसा हमने डिस्कस किया, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगी उसको उसी दिन के रेट पर रिकॉर्ड करना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगी उसको उसी दिन के स्पॉट रेट पे, कौन सा क्या वर्ड यूज करूं मैं, स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना। ऐसा तो हमने देखा जी, हमने एडवांस दिया है, उसी दिन का इवेंट है, 1 जनवरी को स्पॉट रेट क्या जनाब, 80 रुपए। मैंने एंट्री पास की 1 जनवरी, मैंने कहा जी एडवांस टू सप्लायर डेबिट कितने से, सर 2,600 यूएस डॉलर्स इनटू 80 कितना, 2,08,000। और मैंने क्रेडिट क्या कर दिया, क्या ये 2,08,000 रुपए एक मॉनेटरी आइटम है? नहीं सर, कोई मॉनेटरी आइटम नहीं। अगर ये मॉनेटरी आइटम होता तो मुझे एडवांस को 31 मार्च को अपडेट करना पड़ता, क्या करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता, 31 मार्च को क्या करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता। अब सुनो जरा दोस्त, व्हाट इफ क्या मैंने सप्लायर को ये लोन के तौर पे दिया, मैंने कहा ये लोन है, जिस दिन एसेट आएगा लोन वापस लूंगा, वो कैश में देना है तुमने, ठीक है जी, तो फिर ये क्या होता मेरे पास, मॉनेटरी आइटम होता, ये लोन नहीं है, इसको अल्टीमेटली सेटली एसेट की फॉर्म में होना है, तो मुझे बताओ ये मेरा मॉनेटरी आइटम है, नहीं। अच्छा, ये क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम, क्या इसको 31 मार्च को रीमेजर करने की जरूरत है, नहीं सर, नहीं सर। अब बताओ जी, हम बढ़ते 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 पहुंचते हैं 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को हमें $6,400 का, $6,400 हमें पे करने, एसेट मिल गया। अब सुनो, अब एसेट के लिए कितनी कितनी तरीके से पेमेंट हो रही है, 3 तरीके से, एक ऑलरेडी कर चुके हम, एक अभी करने वाले हैं, और एक हम पे करेंगे कब, आगे जाके, ठीक है जी। तो हम अपने पास सर 10 अप्रैल को, गौर से सुनिएगा, 10 अप्रैल को एक चीज डेबिट कर रहे हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और 3 चीजें हम क्रेडिट कर रहे हैं, एक एडवांस, एक कैश और एक ऐसा। एडवांस तो आपने रीमेजर किया ही नहीं था, वो एज इट इज मौजूद है, कितने का, खत्म हो गया जी एडवांस, एसेट आ गया। आपने आज कितना कैश पे किया है, $6,400, आज का स्पॉट रेट क्या है, 84, क्या रही 5537 6, 600 पक्का, ये आ गया कैश। बाकी कब पे करना है, थोड़े टाइम बाद पे करना है, लेकिन रेट कौन सा इस्तेमाल करूं, आज का सर, क्योंकि पेबल आज जनरेट हुआ है तो मैंने इसको 84 पे रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा अब बताओ क्या आ रही, 84,000। इन तीनों को ऐड करोगे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालोगे, कितना, 829600। गलती गलती, कॉमन मिस्टेक जो लोग यहां करते हैं, लोग पीपी को डेबिट करते हैं $10,000 इनटू 84 से, ये गलत है, ठीक है जी, गलत है। क्यों, इसके अंदर कुछ पोर्शन क्या है,
एडवांस का वो रिमेजर नहीं हुआ, बाकी दो तो 84 पे रिकॉर्ड हुए, ऊपर वाले 84 पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास प्लांट आ चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, एक पेबल अभी भी बाकी है, वो आगे जाके सेटल होगा, वो कौन सा सर? ये $1,000 का जो पेबल है, ऐसा। क्या ये मॉनिटरी आइटम है? ऑब्वियसली मॉनिटरी आइटम है, ऑब्वियसली मॉनिटरी आइटम है, हाँ बिल्कुल अब्दुल वासिद सही कह रहे हो। अच्छा जी अब बताओ क्या करूं मैं, 30 जून पे पहुंचू, 30 जून क्या एंट्री पास करूं सर मैं इस पेबल को, जो कि 84 रुपीज पे है, मुझे रीमेजर करना है कितने पे? 85 पे, ऐसा। यार क्यों कर रहे हो रीमेजर, क्या रीजन है? ना, वो तो हमने तो अकाउंटिंग पढ़ लिया ना, देखो हमने एक चीज शुरू से पढ़ी थी, क्लियर कर देता हूँ दोबारा, हमने अज्यूम किया कि हमने जो भी पैसे रिसीव और पे करने ना वो रुपीज में करने, तक यहाँ लिखा हुआ $1,000, ये आपको पे करने $1,000, कब पे करने? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मेरे पास डॉलर नहीं होंगे, मैं रुपए दूंगा बैंक को, मैं कहूंगा कन्वर्ट कर लो, रिक्वायर्ड डॉलर बन जाएंगे ले लेना, ये हमारी अजम्पशन होगी कि हमारे पास डॉलर्स मौजूद नहीं है, डॉलर्स मौजूद नहीं है, हमने जब पेमेंट करना होगी उस दिन के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो पे करेंगे। तो मुझे बताओ आपने तो 84 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ डॉलर, जब आप 30 जून में पहुंचे तो आपको अब नजर आ रहा है कि मुझे 84 नहीं बल्कि 85 देने पड़ सकते हैं, तो क्या मुझे अपनी लायबिलिटी को पेबल को रीमेजर करना चाहिए? क्या मेरी लायबिलिटी 84 में सही पिक्चर दिखा रही होगी? नहीं सर, मुझे कितने पे करने? 80। तो मुझे बताओ मैं अपने पेबल को इंक्रीज कर रहा हूं कैसे? भाई लॉस हो गया मुझे, लॉस क्यों हुआ सर? क्योंकि मेरी लायबिलिटी 1 रुपया बढ़ गई, कितना जी? 1000 × 1000 और अब बताओ हमारी लायबिलिटी 85 पे आ गई पक्का सर। फिर हम पहुंचे किस तारीख को? 2 अगस्त को, लायबिलिटी यहां भी रुकी नहीं और बढ़ गई। अब बताओ अल्टीमेटली जिस दिन तुम सेटल कर रहे हो उसको, पे कर रहे हो, उस दिन रेट क्या चल रहा है? तो अब बताओ जो मैं एक्चुअल कैश पे करूंगा वो किस रेट से पे करूंगा? मैं बैंक को कहूंगा भाई डॉलर का क्या रेट चल रहा है, मुझे $1,000 के पैसे देने। बैंक ने कहा जी डॉलर का रेट चल रहा है 87, आप एक काम करें लगे आ तो 87,000 पे कर दे। मैंने पे कर दिए। अच्छा लायबिलिटी मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड कितने पे थी सर? 84 ये और 1000 ये, कितने हो गए ये? 85। बाकी क्या है सर मेरा? फर्दर एक्सचेंज लॉस, ऐसा। कितने का? अच्छा बहुत सारे लोग पहले एक्सचेंज लॉस बुक करते हैं, पेबल को 87 पे लेकर आते हैं फिर पे कर देते हैं, वो भी सही है। ठीक है जी, आप इसको पहले 87 पे ला के फिर पे कर दो, दोनों सही है, कर लोगे मैनेज? एक्सचेंज लॉस के अलग ट्रांजेक्शन बनाते हैं, उसके अलग बना देते, कर लोगे? ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक चीजें कवर कर ली थी, याद आ रहा है भाई? इसको कॉपी करो, कहां से करना है कॉपी? अब हम पढ़ेंगे फॉरेन करेंसी लोन्स, ठीक है, जरा तैयार हो जाओ उसके लिए, हैं? IFRS 9 के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी, सारे स्टैंडर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। अच्छा भाई हमने थोड़ा भी पैन इस तरह किया है कि मैं तुम लोगों के साथ ना करूंगा IS 21-15 डेफर टैक्स ऊपर ये करूंगा, और बाकी है कि जैसे भी रिजल्ट आ जाएगा ना तो रिफ्रेशर बैच स्टार्ट होगा, वो रिफ्रेशर बैच में जो आकाश ने टॉपिक कवर करनी है वो मैं वहाँ कराऊंगा, ठीक है? तो आप वहाँ बैठ के दे सकते हो क्लासेस, ठीक है? थोड़ी सी क्लासेस लेंदी होंगी, 2.5-2.5 घंटे की होंगी, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा आप लोगों, अगर कोई बंदा लेना चाहे क्लास, ठीक है? ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है और आपको जरूरत नहीं है तो मत पढ़ो। 41 भी पढ़ाऊंगा, इफेक्टिवली पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा मैं, और ये पूरा कोर्स मैं पढ़ाऊंगा इसमें सारे के सारे पास पेपर इसलिए कवर करूंगा कि मैं एक ही दफा ये लाइव पढ़ाऊंगा, अगली दफा ये रिकॉर्डेड दूंगा बच्चों, ठीक है? मैं FAR 2 लाइव पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं होगा, इस बैच में मैं इसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है ना उससे दोगुना टाइम दूंगा, ताकि अगले बैचेस में मेरे पास ये बेस तैयार हो जाए। अगर आप में से किसी बंदे ने क्लास लेनी हो तो ले सकता है। मेजर टॉपिक कौन कौन से होते हैं, सिलेबस उठाओ निकाल लो। वैसे मेजर टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ सर, IFRS 9 है, लीज है, डेफर टैक्स है, कंसोलिडेशन है, IFRS 15 है, ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हारे भारी टॉपिक्स हैं। IS 1 ICAP का एग्जामिनर, अभी तुम एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे, जरूर पढ़ना जरूर पढ़ना जरूर पढ़ना।
एक ये बात पता चली कि IS-1 के क्वेश्चन में रिकॉर्ड फेलियर आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, FAR2 का फाइनल अकाउंट्स डिफरेंट है, उसमें डिस्क्लोजर्स है, ठीक है ना, एज अ डायरेक्टर के लोन का डिस्क्लोजर आ गया है जी। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन लोग पढ़ के नहीं जाते हैं इसलिए कि उनको लगता है कि यार ये चीज सीधी है और नहीं होगी टेस्ट, आज तक नहीं हुई। एग्जामिनर ने कहा ऐसे बहुत सारे काम है जो आज तक नहीं हुए लेकिन आगे होंगे, ठीक है। अगर आपका बच्चा पेपर दे रहा है आप पेपर नहीं बना सकते, उसूल है, आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी नहीं आ सकते, तो अल्लाह का शुक्र है। बोर्ड पे देखना दोस्त, दो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर, गौर तो सुनिएगा दोस्त। सर ये तो बहुत सारी चीजें, सुनो दोस्त, सर एक चीज होती है इवेंट बेस्ड इनकम, एक चीज होती है कंटिन्यूअस इनकम। स्पेलिंग देख लेना, इसकी एग्जांपल देगा कोई जी? ना ना, देखो सेल हो रही है, सेल्स सेल्स कंटिन्यूअस होती है? नहीं सर, एक बंदे को आपने बेची सेल्स की रिकॉर्ड कर लो, दूसरे बंदे को आपने गुड्स बेची रिकॉर्ड कर लो, तीसरे बंदे को आपने गुड्स बेची रिकॉर्ड कर लो, ऐसा हर एक सेल एक डिस्क्रीट सेल है, एक डिस्क्रीट इवेंट है, ऐसा। आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब इवेंट ऐसा है जो इवेंट बेस्ड है, इनकम ऐसी जो इवेंट बेस्ड है, तो उस इवेंट के वक्त जो एक्सचेंज रेट है उसी पे उसको रिकॉर्ड करो। एक सेल हुई है 1 जनवरी को, एक सेल हुई है 2 जनवरी को, एक सेल हुई है 6 जनवरी को, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए रेट एक ही होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, ऐसा। तो हर एक सेल्स को अलग अलग रेट पे रिकॉर्ड करना है, जिस दिन सेल हुई है उस दिन के एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड करना, ऐसा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेल्स फॉरेन करेंसी में हो रही है, डन। कुछ इनकम ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस नेचर की होती है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है 1 जनवरी को, सूद आपको मिला 31 दिसंबर को, ये 31 दिसंबर की इनकम है क्या? ये सूद जो आपको इनकम के तौर पे मिला ये 31 दिसंबर की इनकम है? नहीं, ये पूरे साल की इनकम है, ये पूरे साल की इनकम है। कैसे इसको पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर बहुत मुश्किल है, एक एक दिन का सूद निकालूंगा क्या? ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है जनाब, ये किस नेचर की इनकम है? जो कंटिन्यूअस नेचर की इनकम। अब बताओ यहां पर मैं कैसे इसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं कैसे रेट निकालू डेली का, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डेली का सूद कितना है। तो आपसे स्टैंडर्ड कहता है भैया गौर तो सुनना, कि जो कंटिन्यूअस नेचर की इनकम है ना, ये स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। फिर क्या करें, रिपोर्टिंग रेट पे रिकॉर्ड करें? नहीं, गलत हो जाएगा, सारी इनकम एक ही रेट पे रिकॉर्ड करना लॉजिकली सही नहीं है। फिर क्या करें, इन सारे दिनों के एक्सचेंज रेट का एवरेज ले लो, इन सारे दिनों के एक्सचेंज रेट का क्या ले लो, एवरेज ले लो, उस पर रिकॉर्ड करना, ऐसा। अब बताओ जी जो डिस्क्रीट इनकम है, इवेंट बेस्ड सेपरेट इनकम है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग स्पॉट रेट लेंगे, जिस दिन का इवेंट उस दिन का स्पॉट रेट। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम नेचर की, रेंट इनकम नेचर की कंटिन्यूअस इनकम है, उसको हम क्या करेंगे? एवरेज रेट पे लेंगे। अब सुनो स्टैंडर्ड फिर आपको ये भी कहता है कि आपकी सेल्स इस नेचर की है कि बेतहाशा सेल हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आज सेल, अगले दिन सेल, उसके अगले दिन सेल, उसके अगले दिन सेल। आप कह रहे हो यार मेरे लिए तो अजाब बन जाएगा ये, मैं तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर इवेंट बेस्ड इनकम ऐसी है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो आप इसको भी किस पे लेके जा सकते हो? एवरेज रेट पे लेके जा सकते हो, ऐसा। ये बात समझ आती है? इसको भी आप क्या कर सकते हो? एवरेज रेट। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास इतनी सेल्स होती हैं, उसूलन तो ये होना चाहिए कि जिस वक्त सेल दो उस वक्त का जो रेट है वो ले लो। अब मेरे पास इतनी सेल्स होती है कि सर चार चार दिन हमें सर उठाने का मौका नहीं मिलता, लेजर तो छोड़ दें आप मेंटेन कर, हमारी इतनी सेल्स हो रही, तो बिजनेस चल रहा है भाई। तो हम करते ये है कि जब हम 4-5 दिन सेल जमा कर लेते हैं एक साथ, तो फिर हम उसको एवरेज रेट पे ले लेते हैं। गुनाह ये नहीं, सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं। आपने उसूलन इनकम को किस रेट पे बुक करना है? उसी दिन के स्पॉट रेट पे जिस दिन वो इनकम रिकग्नाइज हुई है। अगर वो इनकम सर क्वांटिटी में ठीक ठाक ज्यादा है या कंटिन्यूअस नेचर की है, तो फिर आप क्या लेंगे उसमें?
एवरेज रेट लेंगे। ये एवरेज रेट हमें एग्जाम में क्या होगा, खुद दिया हुआ होगा या खुद कैलकुलेट करना होगा? ये दिया हुआ होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, ये नहीं कर सकते हम कैलकुलेट, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर से सुनना, मैं आपसे एक बड़ी बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ। एग्जाम में रेंट इनकम आई, क्या करूं, लास्ट डे के रेट पे ले लूं या एवरेज रेट से लूं? एवरेज रेट से लूं। सेल्स आ गई तो कोशिश करो कि स्पॉट रेट पे इसको रिकॉर्ड करो जिस दिन की सेल्स है, नहीं मिल रही है तो सूद की इनकम एवरेज रेट पे, सूद को हम स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड। ये तीन बड़ी इनकम है जो तुम्हारे पेपर में आएगी। कौन सी? इंटरेस्ट इनकम किस रेट पे? एवरेज रेट पे। रेंट इनकम एवरेज रेट पे। सेल्स उसूलन स्पॉट पे नहीं मिले तो एवरेज रेट। अब मुझे बताओ, सेम इज द केस विद एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अगर एक एक वक्त का है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो किस रेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए? एवरेज पे, ठीक है। ये भी हमें आगे जाके देखना है। व्हाट इफ सर हमने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट की, तो कौन सा रेट लें? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, एवरेज रेट लें सर। ऐसा एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट लें। ये बात समझ आती है? तो मुझे बताओ आमतौर पर इनकम और एक्सपेंसेस, आसानी के लिए आमतौर पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, आमतौर पे जनरली मैं फिर बोल रहा हूँ हर दफा नहीं, जनरली सारी की सारी इनकम, सारे के सारे एक्सपेंसेस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होते हैं। मैंने आज तक किसी जगह पे स्पॉट रेट पे चीजों को रिकॉर्ड होते हुए नहीं देखा, लेकिन स्टैंडर्ड में लिखा यही है कि जिस दिन सेल हो उसी दिन के स्पॉट रेट पे उसको रिकॉर्ड करो। ये बात समझ आती है? लेकिन सर प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है सर, एवरेज रेट पे सारे काम किए जा रहे होते हैं, क्योंकि रोज रोज सेल रिकॉर्ड बैठ के फॉरेन करेंसी की रुपी में कन्वर्ट नहीं होती, जो सेल हो रही होती है फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड हो रही होती। एंड पे आके हम क्या करते हैं, सारी सेल्स निकालते हैं और एक एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डन। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे थ्योरेटिकल पूछूं, एवरी इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट द स्पॉट रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, ऐसा, चाहे कोई भी इनकम हो। लेकिन फिर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है जब कंटिन्यूअस नेचर की इनकम होती है, तो स्टैंडर्ड कहता है उसको क्या करो, एवरेज रेट पे ले लो। फिर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है अगर सर इवेंट बेस्ड इनकम भी ठीक ठाक ज्यादा हो, तो स्टैंडर्ड वहां भी आपको इजाजत दे रहे थे कि आप क्या करो। अब बताओ रूल क्या है? रूल ये कि आपको स्पॉट रेट पे रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर सर आप आसानी चाहते हो तो एवरेज रेट लो। ये बात समझ आती है? अब आओ मेरे बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बड़े एक छोटा सवाल देखिए, हमने पास हिसाब किताब करें जनाब फॉरेन करेंसी लोन्स का, ऐसा ये पहले कॉपी कर लो। ये कुछ मखसूस इलाकों में नहीं आ रहे, बाकी तो आ रहे हैं। शायद ये जगह एमजना रोड से करीब है इसलिए नहीं आ रहा। जनाब बड़े हम आगे, एक छोटा सा हिसाब किताब देखते, तुम लोगों ने लीज पढ़ लिया तो मुझे जरा आसानी रहेगी। सुनो जरा दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, मैं देख रहा हूँ फॉरेन करेंसी लोन, ठीक है। मैं एक बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए यूएस डॉलर्स में। उसने कहा कितना लोन चाहिए? मैंने कहा जी मुझे 10,000 यूएस डॉलर्स का लोन चाहिए। प्लीज बोर्ड को दोस्त डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सर 10,000 यूएस डॉलर्स का लोन है, बैंक मुझे कहता है जी सूद का रेट है 10%, कितना? 10%, और आपने ये वापस करना है कितने सालों को? 4 सालों, डन। मैंने कहा ठीक है, कैसे वापस करना है? सारे का सारा लोन 10,000 एक साथ दे दें? उसने कहा नहीं, आपने 4 इक्वल अमाउंट्स में पे करना है, कितना? अच्छा, हम सबको पता है कि सर रेंटल निकालना हम सबको आता है सर, हमने 10,000 रुपए लिए, उसको डिवाइड कर दिया डिस्काउंट फैक्टर से, 1 - 1 + 10% raise to power minus 4 divided by 10%, क्या आता है? कितना? 3198, 10,000 रुपए का तो टोटल अमाउंट है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
10,000 के लोन की किस्त निकाली गई है 31,698। लीज में रेंटल निकाले है ना, चलसी वही तो बोल रहा हूं। 31698 छह लोगों ने यहां लिख दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया होगा 3155 पक्का। अब सुनो, बैंक को मैंने कहा मैं बैंक का भी रुपी रुपी की तो बात ही नहीं करनी, डॉलर में बात हो रही। $10,000 का लोन लेना है और हमने बैंक को हर दफा क्या करना है, $3,155 पे करना है। क्या मैंने अभी तक कोई रुपी टर्म में बात की, क्या मैंने अभी कोई एक्सचेंज रेट की बात की? नहीं, हमने $10,000 का लोन लिया है और अभी एक डील बन रही है, एक अग्रीमेंट बन रहा है दैट वी हैव टू रिटर्न दिस लोन बाय पेइंग 3155 इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3155 पे करना है। इससे हमारा लोन क्या हो जाएगा, पे ऑफ हो जाएगा। सबसे पहला काम स्टेप वन, रीपेमेंट शेड्यूल। क्या करूं सर? सर मेरे पास ईयर ओपनिंग बैलेंस, फिर इंटरेस्ट, फिर कैश और क्लोजिंग। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड में देखो, पहला साल कितने का लोन है, किस रेट से इस पे सूद लगेगा, 10% कितना होता है 1,000। सर मेरा टोटल लोन का अमाउंट कितना हो गया, 10,000 प्लस 1,000 कितने 11,000। इसमें से मैंने इमीडिएटली 3155 पे कर दिया, कितना लोन मेरा रह गया। देखो आप लोग लीज शेड्यूल बनाते हो, इधर प्रिंसिपल लिखते हो, वहां ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, या मैंने डिस्क्लोजर नहीं बनाने, या मैं कैश इसलिए लिख रहा हूँ। कितना आ रहा है अमाउंट, 7,800 पक्का। सर लोन रह गया 7,845। सर सेकंड ईयर आया 7,845 मेरे बच्चों सूद 785। सर फिर 3155 बना, कितना रह गया 5475। सर थर्ड ईयर 5475 सूद 2868 सूद 287 और कानी कदम। ऐसा क्या मैंने अभी तक एक्सचेंज रेट की बात की, क्या मैंने अभी तक बात की कि हमने लोन रुपी में डॉलर में? नहीं सर, हमने डॉलर में लोन लिया, जिस करेंसी में लोन लिया उसी करेंसी में रेंटल निकाला, उसी करेंसी से मैंने शेड्यूल बना लिया पक्का। कोई मसला इसके अंदर, पंचायत इसके अंदर कसूरी नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो दोस्त, अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक्सचेंज रेट्स, और तो सुनिएगा दोस्त। एक्सचेंज रेट है 1 जनवरी 2001 का, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट है ₹80, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2001 का एक्सचेंज रेट है ₹84। इन दोनों का एवरेज कितना है, 83 होना चाहिए ना सर, 80+84 डिवाइड बाय 2, नहीं ऐसे नहीं निकलता। 80 किस दिन पे, 1 जनवरी पे, फिर मैं भी 81 हो गया हो, फिर मैं भी 86 हो गया हो, फिर मैं भी 87 हो गया हो, फिर नीचे आया हो, एवरेज निकलता है पूरे साल का। पूरे साल के रोज के रेट ऐड होते हैं, 365 से डिवाइड होते हैं। एक अटेम्प्ट में सीए फाइनल में उसने ऊपर रेट दिया ओपनिंग 80, क्लोजिंग रेट दिया 84, एवरेज दे दिया 89। लोगों ने कहा गलत है ये, ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद एवरेज 89 कैसे होगा, नशियों 89 ऐसे हुआ होगा, साल में रेट ठीक ठाक ऊपर रहा होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम सिर्फ दो रेट्स नहीं लेते हैं, पूरे साल का रेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ एवरेज आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है सर, एग्जाम के एवरेज पे रिलाय करना है, डन। वो कुछ भी हो सकता है, डन। अब बताए जी, सुनना जरा दोस्त, फिर मैं आपको कहता हूँ 31 दिसंबर 2002 का रेट है 88 और सर हमारा इस साल का एवरेज है 85। सर हमारे पास 5 रेट्स आ चुके हैं। एग्जामिनर कह रहे 2 सालों की अकाउंटिंग करके दे, कितने साल होगी बताओ। हमने सबसे पहला काम क्या किया, ये रेट हमें कभी भी फाइंड नहीं करना, एग्जामिनर खुद देख। सबसे पहले हमने रेंटल निकाला, फिर दूसरा काम क्या किया, हमने शेड्यूल बनाया। अभी तक हमने कोई एक्सचेंज रेट की बात की, कन्वर्ट वनवर्ट किया किसी को, नहीं। सारी चीजें अभी तक किसमें, डॉलर्स में। जब तुम शेड्यूल बना लोगे ना, अब यहां से अकाउंटिंग शुरू करनी है, अब यहां से कन्वर्जन शुरू करनी है।
शेड्यूल बनाने तक, रेंटल निकालने तक आपने ये इग्नोर करना है कि ये लोन डॉलर्स है। जिस करेंसी का लोन है उसी करेंसी में निकाला हमने रेंटल, और उसी करेंसी में फिर हमने क्या किया, रीपेमेंट शेड्यूल बना दिया। यहां तक साथ हो। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, डे वन पे मैंने लोन लिया किस तारीख को, पहली जनवरी 2001 को, क्या ये एक ऐसा इवेंट है जो पहली जनवरी को हुआ है? हाँ। इसको रिकॉर्ड किस पे होना चाहिए? स्पॉट पे होना चाहिए। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या करूं, कैश डेबिट? कितने? $10,000। किस रेट से? 80। कितने आ गई? 8 लाख का हमने लोन लिया, और लोन पेबल कितने से? क्या लोन पेबल एक मॉनिटरी आइटम है? ये मॉनिटरी आइटम नहीं है तो फिर जला दो पूरे कोर्स को, यही तो मॉनिटरी आइटम है, ऐसा? अच्छा, अब बताओ सर, डे वन पे हमने लोन रिकॉर्ड कर लिया, किस डेट पे? डे वन के स्पॉट पे। डन हो गया। ये लोन रिकॉर्ड करने के बाद हम घर जाके सो गए, पूरे साल सूद लगता रहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हमने। साल का एंड आ गया, क्या आ गया? साल का एंड आ गया। एंड आ गया तो डेट क्या आ गई? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2001 पे हमने सूद की एंट्री पास कर दी। सूद एक एक्सपेंस है। हाँ सर, किस रेट पे रिकॉर्ड करूं उसको? एवरेज रेट पे। एवरेज रेट कितना जनाब? 83। एवरेज रेट कितना जनाब? 83। अब देखो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, देखिए। मैंने एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? $1,000 का सूद। ये सूद का उठाया कहां से हमने? टेबल से। $1,000 का सूद मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट। एवरेज रेट कितना जी? 83। मैंने एंट्री पास की 83,000 से, ये डेबिट। और क्रेडिट क्या किया मैंने? लोन पेबल कितने से? 83,000 से। डन। बताओ हमने दो एंट्रीज पास की, एक साल के पहले दिन लोन लेने की स्पॉट रेट पे, सूद की एंट्री एवरेज रेट पे साल के आखिर में किए। डन। अच्छा, अब सुनो मेरी बात सुनो। अब हमारा लोन था 8 लाख का, 83,000 रुपी टर्म में उस पर सूद चढ़ चुका। अब हम पैसे पे करने जा रहे हैं। पैसे पे करना एक सिंगल इवेंट है, पैसे पे करना एक सिंगल इवेंट है ना। हमने ये पढ़ा है कि जिस दिन हम पैसे पे कर रहे होते हैं उस दिन जो डॉलर का रेट चल रहा होता है उस पर हम पेमेंट करते हैं, ऐसा है कि नहीं? जिस दिन हम पैसे पे करते हैं उस दिन जो डॉलर का रेट चल रहा होता है उस पर हमने पैसे पे करने। तो मुझे बताओ, हम पैसे पे करने जा रहे हैं 31 दिसंबर 2001 पे सूद या पूरा रेंटल? पूरा रेंटल पे करने जा रहे हैं। कितने का रेंटल है? 3,155 का। कितने का? 3,155 का। जब मैं बैंक को ये रेंटल पे करूंगा 31 दिसंबर को, जब मैं बैंक को ये रेंटल पे करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा लोन पेबल डेबिट कितने से? लोन पेबल डेबिट कितने से? 3,155 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 84। प्लीज बोर्ड पे देखना, 84 कितना गई? 3,626। बोर्ड पे देखते रहना मेरे बच्चों, 2,65,020। ऐसा। और क्या क्रेडिट कर दिया मैंने? कैश कितने से? 2,65,020। ऐसा। अब बताओ, हमने पेबल का तहस नहस सत्यानाश कर दिया है। कभी पेबल ओपनिंग रेट पे आ रहा है, कभी पेबल एवरेज रेट पे आ रहा है, और कभी पेबल क्लोजिंग रेट पे आ रहा है। मेरा सवाल ये, आपने तीन एंट्रीज पास की। पहली एंट्री किस रेट पे पास की थी? स्पॉट रेट पे, क्योंकि हमने लोन लिया था। दूसरी एंट्री चूंकि एक्सपेंस की एंट्री थी, एवरेज रेट पे पास की। तीनों एंट्रीज में एक अकाउंट कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है, कौन सा? लोन पेबल। ऐसा। मुझे बताओ सर, पैसे आपने पे किए उस दिन के इवेंट पे किए। मेरा सवाल है सर आपसे, ये 2001 की एंट्री है ना बेटा, 2001 की एंट्री है ना चंदा। अच्छा जी, अब बताओ हम पहुंचे कहां पर? 31 दिसंबर 2001 के एंड पे सारे काम करने के बाद। अब आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है, बताओ लोकल करेंसी में, किसमें? लोकल करेंसी में आपके पास ओपनिंग लोन कितने का था? 8 लाख का। इस पे सूद कितना चढ़ा? कितना? 83,000। ऐसा। इसमें हमने कैश कितना पे किया? 2,65,000। मेरी बुक्स में लोकल करेंसी में लोन कितना आ रहा है करंट? लोकल करेंसी क्लोजिंग बैलेंस
617 पक्का सही कह रहे लड़का, 617980, 617, ये मेरे पास लोन का कैरिंग अमाउंट है लोकल करेंसी में, फॉरेन करेंसी में लोन कितना है ये बताओ, टेबल में से देखेंगे 7845, ये मेरे पास फॉरेन करेंसी में, लोकल करेंसी में कितना है 617980, फॉरेन करेंसी में कितना है 7845। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये है मेरे पास फॉरेन करेंसी में 78, ये चूंकि एक लोन पेबल है, लोन है, मॉनेटरी आइटम है, इसको साल के एंड पे क्या होना है, री मेजर होना है, फॉरेन करेंसी में लोन कितना है 7845, क्लोजिंग रेट कितना है 84, कितना आ रहा है देखो ये 658980, यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो मैच नहीं कर रहा सर। अब मुझे बताएं मेरी लायबिलिटी फॉरेन करेंसी की वजह से ओवरऑल बेसिस पे इंक्रीज हो गई है कितनी, 40,000 पक्का, 41,000, ये क्या है सर मेरा, ये है मेरा एक्सचेंज लॉस, इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा, 31 दिसंबर पे एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से 41,000 और लोन पेबल क्रेडिट कितने से 41,000 से। सर अब सिर्फ सुनोगे लिखोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे, मैंने डे वन पे क्या किया, लोन लिया कितने का $10,000 का, सीधा सीधा जाके मैंने क्या किया इससे रेंटल निकाला, किसमें डॉलर्स में, किसमें डॉलर्स में, इसी डॉलर्स के रेंटल से मैंने क्या बनाया सुबान, क्या बनाया इसी डॉलर के रेंटल से मैंने क्या बनाया शेड्यूल बनाया, जागते रहना है, इसी डॉलर के से रेंटल से मैंने क्या बनाया शेड्यूल बनाया, क्या अभी तक मैंने रुपये की बात की नहीं सर। फिर मैंने क्या जनाब, मेरे साल में तीन इवेंट्स हुए, पहले लोन लेने का किस रेट पे रिकॉर्ड किया, किस रेट पे रिकॉर्ड किया स्पॉट, किस रेट पे रिकॉर्ड किया स्पॉट सर। फिर मैंने सूद का इवेंट है, सूद को रिकॉर्ड करना है, किस रेट पे रिकॉर्ड किया एवरेज रेट पे। फिर मैं सर रेंटल पे करने गया, रेंटल पे करने जाओगे जो भी कैश पे करोगे फॉरेन करेंसी की कैश पेमेंट करने जाओगे उस दिन के रेट के हिसाब से करोगे, क्या लिया हमने स्पॉट लिया सर। ये सारे काम करने के बाद, ये सारे काम करने के बाद हमने बैठ के देखा हमारे लोकल करेंसी में लोन 8 लाख का था, 83,000 का इंटरेस्ट आया एवरेज रेट से, पेमेंट हुई क्लोजिंग रेट से, सर एक खिचड़ी बन गई, 6,17,980 पे लायबिलिटी आ गई। अब मुझे लॉ ये कहता है, अब मुझे स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने क्लोजिंग लोन को, चूंकि वो एक मॉनेटरी आइटम है, आप उसको क्लोजिंग रेट पे रीमेजर करोगे। जब मैंने अपने लोन की अमाउंट देखी फॉरेन करेंसी में तो मुझे पता चली शेड्यूल से 7845, इसको मैंने क्या किया सर 84 के हिसाब से रीमेजर कर दिया। जब रीमेजर किया तो वैल्यू बनी 658980, मेरी बुक्स में सारे कारस्तानियां करने के बाद आ रहा था 617980, तो बताओ मैंने दोनों के डिफरेंस पे क्या बुक कर दिया, एक्सचेंज लॉस। अब मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, मुझे एक चीज ये बताओ सर, टोटल इवेंट्स कितने जिनको मैंने रिकॉर्ड करना, 4, पहले साल 4 होंगे, आगे के सालों में 3 होंगे, पहले साल 4 इवेंट्स क्या है, लोन लेना, नंबर 2 उसपे सूद रिकॉर्ड करना, नंबर 3 उसमें रीपेमेंट को रिकॉर्ड करना, नंबर 4 उसको रीमेजर करना फॉरेन करेंसी के लिए। ऐसा मुझे बताओ, हर साल की मैं बैलेंस शीट उठाऊं, मैं अपने शेड्यूल को सामने रखूं, बैलेंस शीट को सामने रखूं, शेड्यूल से क्लोजिंग बैलेंस निकालूं, क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करूं, मेरी बैलेंस शीट पे लोन की अमाउंट मैच करनी चाहिए, इस शेड्यूल से मैं कोई अमाउंट उठाऊं, इस शेड्यूल से मैं अमाउंट उठाऊं साल के एंड पे और क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करूं, क्या मेरी बैलेंस शीट पे मौजूद लोन पेबल की अमाउंट से मैच करना चाहिए। हाँ, ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ अगले साल कितने इवेंट्स होंगे, 3, कौन से, सूद किस रेट पे, एवरेज रेट पे, फिर नंबर 2 रीपेमेंट किस रेट पे, स्पॉट रेट पे, और फिर आखिरी रीमेजरमेंट। पक्का सर, ये कॉपी करें और मुझे सेकंड ईयर के एंट्रीज पास करें। चलो जी, एक बंदे ने एक्सचेंज लॉस निकाला है 33735, ऐसा यही है, चलो इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। सबसे पहला काम हमने क्या किया होगा, हमने उठाया होगा सूद बुक किया होगा, कब, 31 दिसंबर 2002 को एवरेज रेट से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 785 का सूद था मल्टीप्लाई बाय 85, कितना आ रही 6, ऐसा 725, और लोन पेबल क्रेडिट
31 दिसंबर 2002, फिर अब बताओ हमने पैसा पे करना है कैश पे करना है, तो लोन पेबल डेबिट, अच्छा कैश हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन रेट चेंज हो चुका है, कितना 88 क्या आ रही है, और ना सॉरी कैश लोन कितने से पक्का, उसके बाद सर 31 दिसंबर 2002 को ही अब हमने निकालना है सर एक्सचेंज गेन और लॉस, ऐसा तो मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ हमारे पास रुपी टर्म में ओपनिंग बैलेंस कितना था लोन का, ये रहा सर 658980, ऐसे ही था, इसमें चार्ज करो इंटरेस्ट, ये रहा सर 76.7 कैश, क्या बच रहा 448065, ऐसा अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास शेड्यूल में कितना आ रहा है, शेड्यूल 5475, और क्लोजिंग रेट कितना है 5475.88, क्या आ रही कितना 481800, सर कितने से लायबिलिटी बढ़ी है 3, हाँ जी वो किसी का तो 64000 आ रहा था, वो कहां से आ रहा था, अब बताओ जी क्या करूं मैं, एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से 33735, और सर मेरे पास लोन पेबल क्रेडिट कितने से 4 साल बाद लोन खत्म हो जाए, हो जाएगा 4 साल बाद अपना टोटल एक्सपेंसेस ऐड करें, एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें होंगी 2, इंटरेस्ट एक्सचेंज लॉस, इंटरेस्ट एक्सचेंज ये सारा ऐड करें दोनों एंड, ठीक है, साल 4 साल के एंड पे आप देखें टोटल लॉस और एक्सपेंस आपने जो बुक किया है वो बराबर होगा, पता है किसके, वो बराबर होगा पता है किसके, जितना आपने कैश पे किया और जितना आपने कैश रिसीव किया उसके डिफरेंस के, आपको डे वन पे कैश मिला कितना था रुपी टर्म में 8 लाख, आप वापस किए जा रहे हो हर साल कितने, पहले साल आपने रुपी टर्म में वापस किए पता है कितने सर, ये 265020, फिर आपने वापस किए 277640, मजीद 2 साल लगाओगे ना तो जो टोटल अमाउंट तुमने पे बैक किया होगा बैंक को और जो टोटल अमाउंट तुमने रिसीव किया होगा इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो ओवर द पीरियड आपने पे किया बैंक, ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने पे किया बैंक को ये मैच करेगा किससे, तुम्हारे टोटल एक्सचेंज लॉस और इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये कंट्रोल होता है फॉरेन करेंसी लोन्स को देखने का कि जब वो लोन खत्म हो तो उस लोन के अंदर जितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ उसका डिफरेंस निकालो कि हमने बैंक से लिए थे 8 और हमने बैंक को वापस किए 11, तो टोटल 3 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा वापस किए, तो हर हाल में इंटरेस्ट और एक्सचेंज गेन और लॉस इन सबको मिलाओ तो ये 3 लाख ही बनने चाहिए, ठीक है जी, लेकिन ये आपके लेवल पर अगर आएगा भी ना तो मैक्सिमम आएगा 2 साल की एंट्रीज, ठीक है जी, 3 साल भी नहीं आ सकता, मैक्सिमम कितने साल की एंट्रीज आएंगे 2 सालों की, कर लोगे मैनेज पक्का जी, ये वाली बात अगर किसी को समझ नहीं आई ना कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है जी, जी बेटा एक्सचेंज लॉस देखो पे नहीं हो रहा ना, असल में पेमेंट तो होती है कैश की, उस कैश में आप क्या क्या पे कर रहे हो, सूद पे कर रहे हो, एक्सचेंज डिफरेंस भी पे कर रहे हो, क्योंकि देखो आपने 2 डेट्स पे ना सेम कैश पे किया 3155 और 3155, लेकिन आप रुपी टर्म में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है 265000 और 277000,
ये दो एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हो किस चीज की है, किस चीज का एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से आ रहा है ना। मुझे बताओ आपने यहाँ कितना कैश पे किया था इस डेट पे, इस डेट पे कितना कैश पे किया था? 3155 डॉलर। ऐसा रुपी टर्म में कितना बन रहा है? 265,000। यहां भी कितना पे किया था? 3155 डॉलर, लेकिन रुपी टर्म में क्या बन रहा है? ज्यादा बन रहा है। इफेक्टिवली एक्सचेंज डिफरेंसेस हमने पे करने, इवेंचुअली पे कर दिए, हर किस्त में हम थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं नहीं, एंट्री अलग से नहीं, ऐसी तरह बनानी है क्लोजिंग। इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, ये अलग से बुक कर दे, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज लॉस किस चीज का है? रिमेनिंग लोन का, ठीक है ना। ये देखो कैश में अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा करके पे करना ही है हमने, ये वाला अभी पे नहीं कर रहे हैं, आगे की जो किस्तें आएंगी उसमें हमने पे करना है। हमने अभी लोन अपना बढ़ा दिया, हमने ये रिकग्नाइज कर लिया कि हमने इसको पे करना है, लेकिन कब पे करना है? आगे के सालों में जाके, ठीक है। डन जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर एक सवाल करके देंगे, शाबाश। ऑफ हो गया किस चीज का? क्या लाइट वाइट ऑफ हो गई? अच्छा अच्छा तीन बज गए। वेरी गुड सर, इस बच्चे ने बहुत काम का सवाल पूछा है, कहता फोर्थ ईयर के एंड पे जो एक्सचेंज लॉस आएगा वो कहां पे करेंगे? आओ देखते हैं हम फोर्थ ईयर के एंड पे हमारी लायबिलिटी कितनी बची हुई है। कुछ नहीं, इसको रिवैल्यू कर देना जितनी दफा भी। ये अच्छा था, मजाक कर रहा हूँ भाई यार, सवाल पूछो भाई सब यार। मैंने अपने टीचर से एक दफा सवाल पूछा, ऐसा जलील हुआ। इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने सवाल पूछा कोई, मैंने कहा क्लोज, उसने कहा क्लोज नहीं इट्स क्लोज। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी, इट्स प्रोनाउंसिएशन। मैंने कहा भाई चुप ही रहा यार, बेगो बेगो के मार रही है, चुप रहे भाई, इससे बेहतर है। ये पीडीएफ में आप, अच्छा एक चीज जबरदस्त नोट करनी है आपने, ये इलस्ट्रेशन है, एक किताब है ग्रिपिंग गैप के नाम से, जो साउथ अफ्रीका से मंगवा के यहाँ पर जो है वो लोकल कॉपी बना के बेच रहे हैं बहुत सारे लोग। ये किताब मैं सबसे पहले मंगवाई, ये सवाल छापा उसमें से, ये सवाल माशाल्लाह आज हर एक टीचर जो पढ़ा रहा है FIR 2 सबके हैंड आउट, यहाँ माशाल्लाह कोई रिसर्च नहीं करता, जो पहला काम कर लेता है उसकी कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। जो बंदा पहला काम कर ले उस, एक उसूल है ये, मैं ख्याल में कोई गलत बात नहीं, उसूल ये है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है जी। व्हील बन चुका है तो क्या करो, उसको इस्तेमाल कर लो, लेकिन यार इजाजत तो ले लिया करो। है सर आपको भी इजाजत लेनी चाहिए थी जहां से ये कॉपी हुआ है, ठीक है जी। हाँ उसने भी रिसर्च करके निकाला है, दूसरे ने भी, यहां देख लो। अब सुनो 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 सर, एक एग्जांपल है, आपने घर जाके इसको देखना है, इसमें 2 सालों के एवरेज रेट्स दिए हुए सर, लेकिन 3 सालों के नहीं, एक पहले दिन का दिया, पहले साल का एंड का दिया। सर कहां सर दिखाए जरा, सर नजर ही नहीं आ रहा, ये रहा, ठीक है जी। ये आपने घर जाके करना है सैटे जी। अब सुनो 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 बेटा, 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट। एक छोटी सी चीज देखो, मैंने स्टैंडर्ड को ना कुछ डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस में डाला हुआ ताकि आपको सीखने में आसानी हो। मुझे बताओ इन्वेंटरी हम परचेस कर सकते हैं ना किसमें? लोकल करेंसी में, या हम इसको परचेस कर सकते हैं किसमें? जब आपने परचेस कर लिया लोकल करेंसी में तो 2 केस हो सकते हैं ना, या तो आप इसको सेल करें किसमें, इन लोकल करेंसी, या इसको सेल करें इन फॉरेन करेंसी। जब आपने फॉरेन करेंसी में परचेस किया तो ये हो सकता है ना कि आप इसको सेल करो इन लोकल करेंसी, या आप इसको सेल करो इन फॉरेन करेंसी, ऐसा।
अब मुझे एक बात बताओ, IS-21 कहां कहां पर इन्वॉल्व है और कहां नहीं है? सुनो, जहां फॉरेन करेंसी आ जाए ना, चाहे परचेज स्टेज पे या सेल स्टेज के ऊपर, वो IS-21 के एम्बिट में आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ये ट्रांजेक्शन IS-21 के एम्बिट में नहीं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है जी। यहां पर परचेज लोकल करेंसी में हुआ तो सेल किसमें हो गया? फॉरेन करेंसी में, आगे 21 में। यहां परचेज फॉरेन करेंसी में हुआ तो फिर ये दोनों चीजें जो है वो IS-21 में आ गई। कल की क्लास में हम ये देखेंगे इन 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 चारों सिनेरियोस को, ठीक है जी, कि आपने हिसाब किताब क्या करना है, ठीक है। फिर हमने देखना जनाब एनआरवी लॉसेस, एनआरवी किस करेंसी में डिटरमिन होनी चाहिए, एनआरवी किस करेंसी में डिटरमिन हो, जिस करेंसी में उसको बिकना है, जिस करेंसी में उसको बिकना है। सर अगर उसको बिकना फॉरेन करेंसी में तो एनआरवी किस में आएगी? फॉरेन करेंसी में आएगी। सर ये हमने अगली क्लास में देखा, वेरी गुड, चेंज होगी, यही हमने सीखा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। ईद वेकेशन इंशाल्लाह ईद के पहले दिन तो शुरू होगी।